अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रुकमान विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पीच मिल्क शेक बनाना सिखा रही हूँ। पीच मिल्क शेक इज़ अ वेरी हेल्दी शेक। पीच मिल्क शेक काफ़ी हेल्दी शेक होता है और इसके साथ हम एक प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एनश्योर की प्रोडक्ट है। एनश्योर एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसके मार्केट में आपको 3 फ्लेवर्स मिल जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 फ्लेवर्स हैं। एक फ्लेवर है हमारे पास चॉकलेट का और एक फ्लेवर है हमारे पास स्ट्रॉबेरी का। आप इसमें वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं। पीच मिल्क शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी स्किन को रिमूव करना है। हमें अपनी रूटीन के काम करने के लिए जो एनर्जी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें राइट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही होती, तो उसके लिए ये जो एनश्योर सप्लीमेंट है, ये काफ़ी बेस्ट रहता है। पीच के यूँ रफली स्लाइस निकालने के बाद हम इनको फाइन चॉप कर लेंगे। इनको आप इस तरह से क्यूब्स में इनकी कटिंग कर लें। ये जो सप्लीमेंट आप देख रहे हैं, एनश्योर सप्लीमेंट, इसको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपकी बोन्स को काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सके और आपको काम करने में प्रॉपर एनर्जी दे सके। इसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे और इसमें ये जो हमने पीच की कटिंग की है, इसको ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ में 2 पीच को कट किया है। डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रूट यूज़ करना चाह रहे हैं। पीच ऐड करने के बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क को मैंने अच्छे से पहले फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें, इसमें मिल्क के अंदर आइस बनी हुई है। तो अगर हम ऑलरेडी मिल्क को फ्रीज़ करेंगे तो फिर हमें इसमें सेपरेट आइस डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 5 to 6 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ 5th टेबलस्पून शुगर। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें आपको काफ़ी एक लंबी सी लिस्ट नज़र आएगी। इसमें उन्होंने विटामिन्स लिखे हुए हैं, मिनरल्स लिखे हुए हैं। वैसे जो मेरा फेवरेट है वो है स्ट्रॉबेरी का। इसके साथ ही आपको इसमें स्पून नज़र आएगा। ये देखें, ये आपने भर के इसको ऐड कर लेना है। इस कैन के बॉटम पे इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। वैसे तो इनकी डेट होती है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के राउंड बाउंड, लेकिन जब आप इसको इस कैन को ओपन कर लेते हैं तो आपने इसको 3 वीक्स के अंदर अंदर यूज़ करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पीच मिल्क शेक रेडी हो गया है। एनश्योर को आप डिफरेंट वेज़ में कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ ले लीजिए, आप चाहें तो इसको डिनर में यूज़ कर लें, और अगर आप चाहें तो आप इसको वाटर में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम इस शेक में एनश्योर सप्लीमेंट ऐड करेंगे। अगर आप इसको वेट गेन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको मिल्क शेक के साथ कंज्यूम करेंगे। मिल्क शेक में ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। वैसे इसमें जितने विटामिन्स हैं, जिस तरह से इसमें कैल्शियम है, फैट है, आप इसको वेट रिड्यूस में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रॉपर डाइट आपको नहीं मिल पा रही, आप इसको एनर्जी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको मिल्क शेक या मिल्क की बजाय आप इसको जस्ट वाटर में कंज्यूम करेंगे। अब हम स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप धीरे धीरे स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसी तरह से अदर स्पून को मिक्स करते हैं। ये जो एनश्योर प्रोडक्ट है, आप इसको 6 ईयर से अबव बच्चों को दे सकते हैं। 40 ईयर से जो ऊपर लोग होते हैं, मेंस भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन गैलेक्टोसीमिया के पेशेंट इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। गैलेक्टोसीमिया एक डिज़ीज़ होती है जिसमें बच्चों के ब्लड में ग्लैक्टोज की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को मिल्क फ्री डाइट पे रखा जाता है। तो बस ग्लैक्टोसीमिया के पेशेंट अवॉइड करें, बाकी हर तरह के लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।